एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी चैनल पे चल रहे हैं दिवाली सीरीज। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुर्ता सेट शेयर किया था, जो कि सिल्क के कुर्ता सेट्स थे फॉर दिवाली या वेडिंग सीजन के लिए। और आज का वीडियो होने वाला है मेकअप एंड स्किन केयर फ्रॉम अमेज़न, क्योंकि मेकअप और स्किन केयर भी जरूरी है ताकि आप सुंदर सुंदर फ्रेश फ्रेश ग्लोई ग्लोई दिखें। इसलिए आज का वीडियो है मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अमेज़न से परचेज किए हैं, क्योंकि अमेज़न पे चल रही है सेल। और सेल बेस्ट टाइम होता है क्योंकि इस वक्त आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे जरूर क्लिक करिए। ये एक बॉक्स है, देन आई हैव अनदर बॉक्स, और भी काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। जब भी आप मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ तो वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे को एक बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया है ताकि दिखाने में आसानी हो। जो भी रैंडमली मेरे हाथ में आता जाएगा वो मैं शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले है ये पतंजलि का काजल। तो ये वाला काजल ना, मैं जब घर पे होती हूँ या मुझे कहीं आसपास जाना होता है और मुझे काजल अप्लाई करना होता है तो मैं ये वाला करती हूँ, क्योंकि इसमें उतने केमिकल्स नहीं हैं तो मुझे सेफ लगता है ये अप्लाई करना। हालांकि ये कितना में लिखा हुआ है नो स्मज नो स्मेल, लेकिन ये काफ़ी स्मज करता है, इसलिए इसे आप ओकेजन्स पे नहीं लगा सकते। ये बहुत ज़्यादा स्मज करता है, ये एरिया पूरा ब्लैक हो जाता है। तो मैं ऐसे किसी भी ओकेजन पे या कोई वैसा कहीं मुझे जाना हुआ कुछ पर्टिकुलर तो मैं अप्लाई नहीं करती। मुझे आसपास कहीं जाना है या फिर घर पे कुछ कहें तो फिर मैं ये वाला अप्लाई कर लेती हूँ। और ये है हर्बल काजल, जिसमें कि काफ़ी सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी लिस्ट यहाँ है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी सेकेंड परचेज है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने परचेज़ किया था उसका लिड ना बहुत लूज़ हो गया था और फिर वो गिर गया था, बुरी तरह से टूट गया था, उसके बाद वो और ज़्यादा स्मज होने लगा। तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया। हालांकि लास्ट टाइम मैंने स्टोर से लिया था और 90 रुपीज़ MRP है, 80-85 में मिल जाता है, लेकिन इस बार मैंने अमेज़ॉन से मंगाया और इसने मुझे 75 रुपीज़ के डिलीवरी चार्जेस लग गए, लेकिन ये जल्दी नहीं मिलता इधर उधर, तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ कर लिया है। दिस इज़ फॉर 90 रुपीज़, आई थिंक मुझे 80 या 78 रुपीज़ में मिला है प्लस 75 के डिलीवरी चार्जेस। नेक्स्ट है ये द मॉम्स कंपनी का अंडर आई क्रीम। इससे पहले मैं मामा अर्थ का अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही थी और सच बोलूँ तो मुझे कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चला, क्योंकि मैं वो डार्क सर्कल्स वाला यूज़ कर रही थी। सो ओके था, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो मुझे कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चला, तो उसके बारे में मैं कुछ खास कॉमेंट नहीं कर सकती। ये इस टाइम मैंने ये न्यू ट्राई करने के लिए मंगाया है, हालाँकि ये एक्सपेंसिव है। ये बहुत छोटी सी बॉटल आई है, पतली सी, ये है 15 ग्राम्स की क्वांटिटी। MRP है इसकी 474, लेकिन ये मुझे लाइटनिंग डील में 356 या 376 में मिल गया था। मोस्टली इस तरह के जो एक्सपेंसिव मेकअप के या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें अमेज़ॉन में हमेशा लाइटनिंग डील चलती रहती है। तो अगर आप बाहर से स्टोर से परचेज करते हैं तो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए अमेज़ॉन से परचेज करने में, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और ये है डार्क सर्कल्स, पफिनेस एंड फाइन लाइन्स तीनों के लिए। मामा अर्थ वाला जब मैंने यूज़ किया था तो जो सबसे पहला मैंने यूज़ किया था वो पफी आइज़ के लिए था, एंड जो लास्ट मैंने यूज़ किया वो डार्क सर्कल्स के लिए था। ये सब ये ऑल इन वन है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये इसमें है कॉफ़ी ऑयल, विटामिन ई एंड विटामिन B3। ओके यस, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये मसाजर है, इससे काफ़ी अच्छे से मसाज होगी आपकी अंडर आई की का जो एरिया है। तो मेन यही रीज़न था मुझे ये वाला ऑर्डर करने का, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन किया हुआ था कि ये आपके आईज़ को के जो अंडर आई एरिया है उसको काफ़ी रिलैक्स करता है, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है और मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी कि ये मुझे कैसा लगा। नेक्स्ट आई हैव दिस वाव का एलोवेरा जेल। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है और मुझे वो बहुत पसंद आया है। मुझे लगता है जो बेसिक काम होता है वो हो जाता है उससे, ने फेस पे और हेयर पे दोनों पे मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, बर्न्स पे मार्क्स पे, और वो काफ़ी रीजनेबल मिल जाता है बहुत ही कम प्राइस में और काम करता है। बट उसमें कलर तो डेफिनेटली है, क्योंकि ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल तो नहीं होता। और लास्ट टाइम मैंने कुछ परचेज़ किया था जिसमें मुझे वाव का वो ट्रैवल पैक मिला था एलोवेरा जेल का, वो बिल्कुल लग रहा था एज ए जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है वैसा ही है, काफ़ी सिमिलर। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं ये वाला ट्राई करूँगी, कि पतंजलि वाले से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस का। दिस इज़ फॉर 299 और मुझे ये लाइटनिंग डील में 206 रुपीज़ में मिला था। तो डिफरेंस तो है प्राइस का, बट क्वालिटी मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसकी कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा बेटर है पतंजलि वाले से। और ये है 130 ml की क्वान्टिटी प्लस 20 ml इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। नेक्स्ट है मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाव का चारकोल फेस वॉश। मैं कितने भी फेस वॉशेज यूज़ कर लूँ, कुछ भी ट्राई कर लूँ, मैं हमेशा घूम फिर के इसी पे वापस आ जाती हूँ।
मैंने मामा अर्थ का बहुत सारा ट्राई किया है, वाओ के भी मैंने काफ़ी सारे वेरियंट्स ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है। ये बहुत जेंटल है, अपना काम बहुत अच्छे से करता है, एक्सफोलिएट करता है, और जस्ट जो कि इसका कहना है कि ये टॉक्सिन्स एंड डर्ट को रिमूव करता है, मुझे लगता है वो ये सब करता है। तो मुझे ये वाला फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा पसंद है। 249 इसकी MRP है, 100 ml की क्वांटिटी है, लेकिन अगेन लाइटनिंग डील में ये मुझे 195 rupees में मिला है। नेक्स्ट है ये अक्षर का ऑल इन वन बॉडी वॉश, जो कि शैम्पू एंड बॉडी वॉश दोनों का काम करता है। अब इन्होंने ये सुपरमैन और इस तरह के कैरेक्टर्स वाले लॉन्च किए हैं। मुझे लगता है अक्षर जब से यूज़ करना शुरू किया है उसने, तब से मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। वाव का ही डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ होती है, बहुत थोड़ा सा स्मेल का डिफरेंस होता है। ये है बैटमैन एडिशन, 3-in-1 वॉश है, शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस बॉडी वॉश। और अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि अक्षर की स्किन बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली ड्राई है, और उसकी स्किन पर बहुत सारे रैशेज और बहुत सारी स्किन इशूज़ उसके साथ होती रहती हैं। तो यही है जो उसको काफ़ी अच्छे से सूट करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता स्किन को, बहुत जेंटल है और अच्छी खासी क्वांटिटी है। ये है 300 ml और काफ़ी लंबा, आई थिंक 4-5 months तो आराम से चल जाता है, क्योंकि एक दो ड्रॉप्स काफ़ी होता है अगर आप लूफा यूज़ करते हैं तो। तो मुझे ये वाला बहुत पसंद आता है, और इसकी MRP है वैसे 449, मुझे ये मिला है 429 rupees में। नेक्स्ट है ये गुड वाइब्स का टोनर। मैंने अभी तक जितने भी टोनर यूज़ किए हैं उसमें से मुझे गुड वाइब्स वाला सबसे ज़्यादा रीजनेबल और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। मैंने लास्ट तुलसी वाला यूज़ किया हुआ है, देन मैंने लैवेंडर वाला यूज़ किया हुआ है, इस टाइम मैंने ग्रीन टी वाला मंगाया है, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ टाइम से मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने एंड पिंपल्स आ रहे हैं, जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में फेस नहीं किया, बट आ रहे हैं अभी, आई डोंट नो व्हाई। तो इसलिए मैंने ये ग्रीन टी वाला मंगाया है, क्योंकि ये एक्ने को काफ़ी ज़्यादा ठीक करने में हेल्प करेगा, ग्रीन टी एक्ने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये है ग्रीन टी ग्लो टोनर, जिसमें कि है नो अल्कोहल एंड नो पैराबेंस। MRP इसकी 199 है, मुझे लगता है ये मुझे 149 में मिल गया था। नेक्स्ट मेरे पास ये तो डर्माकोक की नियासिनमाइड सीरम, अगेन एक्ने प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, मैंने विटामिन सी वाला सीरम यूज़ किया है लास्ट वाव का, उससे पहले मैंने मामा अर्थ का भी विटामिन सी यूज़ किया है, मैंने एम कैफीन का कॉफ़ी वाला सीरम यूज़ किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन क्योंकि एक्ने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसलिए मैंने ये नियासिनमाइड वाला मंगाया है। ये स्पेशली एक्ने एंड एक्ने मार्क्स के लिए है, इसमें है नियासिनमाइड, विटामिन B3, जिंक, जिसको कि आप अपनी मॉर्निंग और नाइट टाइम की स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। 30 ml की क्वांटिटी है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आ जाती है, साथ में आपको ड्रॉपर मिलता है, एक दो ड्रॉप्स लेने हैं, फेस पे ऐसे लगाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड यू आर डन। MRP इसकी 599 और इसमें कोई भी लाइटनिंग डील नहीं थी, मुझे 599 में ही मिला है, और हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है एम कैफीन वाला भी इसी के अराउंड मुझे मिला था, सो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, बट आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई इट, अगर ये मुझे हेल्प करता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट है मेरे पास शीट मास्क। अगर स्किन पैम्परिंग स्किन केयर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हैंडी होते हैं शीट मास्क। अगर आपको क्विक कहीं जाना है, कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस आप एक शीट मास्क लगा लीजिए और काफ़ी सारा काम आपका हो जाता है। एक तो मैंने मंगाया है ये गार्नियर वाला, जो कि है सीरम मास्क एजलेस वाइट सुपर हाइड्रेटिंग फोमिंग टिश्यू मास्क, जिसमें कि है ग्रेप सीड एंड हेलुरोनिक एसिड। तो ये है डल स्किन के लिए, ये एक मास्क आपको 99 rupees में मिल जाता है। एंड देन मैंने ये गुड वाइब्स का मेरा ऑल टाइम फेवरेट मास्क है, तो ये मैंने गुड वाइब्स के 3 ग्रीन टी ट्री वाले शीट मास्क मंगा लिए हैं। दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग, क्योंकि दिवाली की सफाई में स्किन में बहुत सारी धूल जमा होने वाली है, तो इसलिए ये वाला शीट मास्क है। ये पैक ऑफ 3 है, वैसे तो उसकी MRP 99 है, लेकिन ये तीनों मुझे मिला कि 238 rupees में मिला था। नेक्स्ट है मेरा रेगुलर खाड़ी का शैम्पू, ये है आमलान रिंगराज का शैम्पू, SLS एंड पैराबिन फ्री होता है, और ये वाला शैम्पू मैं उस दिन यूज़ करती हूँ जिस दिन मैंने बालों में तेल लगाया होता है, क्योंकि मैं वाव का शैम्पू यूज़ करती हूँ और उसको अगर मैं 2 बार भी लगा लूँ तो भी अच्छे से तेल नहीं निकलता, तो उस टाइम के लिए ये वाला शैम्पू है, और ये बहुत थोड़े से में ही काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। दिस इज़ फ्रॉम खादी नेचुरल, खादी की 2 वैरायटी आई थिंक अवेलेबल है, तो वो आपको चेक करना होगा। एक होता है जिसमें कि SLS एंड पैराबिन फ्री है, और एक होता है जिसमें कि पैराबिन वगैरह है, तो वो आपको चेक करना होगा।
ये आमला एंड रिंगराज वाली वैरायटी है, आपको काफ़ी सारे वेरियंट्स इसके मिल जाते हैं। 250 रुपीज़ का है और ये काफ़ी लंबा चलता है। वैसे तो मैं एवरीडे इसको यूज़ नहीं करती बट फिर भी ये काफ़ी चलता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसका काम हो जाता है। तो ये 250 का है और मुझे लगता है ये भी मुझे लाइटनिंग डील में शायद मिला था 20-30 रुपीज़ कम में। नेक्स्ट है मेरे पास ये बॉक्स और इसमें है फेस रोलर, 1399 इसकी MRP लिखी हुई है। फेस रोलर्स ना काफ़ी सारे अवेलेबल हैं अमेजोन पे और मैंने बहुत सारे देखे, काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे, तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे सबके, इसके रिव्यूज़ मुझे बेटर लगे तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। वाओ, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये कितना प्रीमियम लग रहा है देखने में, एंड इट्स सो गुड। हालांकि मैंने जो परचेज़ किया था उसका कलर थोड़ा सा रोज पिंक काइंड ऑफ था और ये ग्रेश है, बट लुक एट दिस, इज सो गुड। सो ये आपको मिलता है रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन और जेड रोलर, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, एंड इट्स रियली कोल्ड। आप फेस पे टच करते हैं ना तो ये काफ़ी कोल्ड है, ये फेस को मसाज करने के लिए, पफिनेस के लिए, स्किन को टाइटन अप करने के लिए और स्किन को रिलैक्स करने के लिए होता है। तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे से, अगर पफिनेस है तो फिर आप फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप चाहें तो कोई सिरप या फिर फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो सके, ज़्यादा अच्छे से मूव करे आपके स्किन पे। तो ये मैं बहुत टाइम से परचेज़ करना चाहती थी एंड इट लुक्स रियली गुड। 1300 इसकी MRP है, आई थिंक 1399 के अराउंड, बट ये मुझे 699 में मिल गया है। तो मैं ये ट्राई करूँगी और अगर ये मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं इस तरह के और भी रोलर्स आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, ये वाला मुझे अभी तक तो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है लिक्विड सिंदूर फ्रॉम फेसेस कैनेडा, बेसिक सा लिक्विड सिंदूर है इन शेड रेड, रेड और मरून दोनों शेड में ही मिल जाता है आपको। ये रेड है, मुझे पर्सनली रेड ज़्यादा पसंद है मरून के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। और ये है 2.5 ml की क्वांटिटी, 149 है इसकी MRP और मुझे 119 रुपीज़ में मिला है। देन है मेरे पास ये शुगर का बॉक्स, अगेन मैं मुझे ये बात समझ नहीं आती कि शुगर की सारे प्रोडक्ट्स इतने बड़े बॉक्स में क्यों आते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आते हैं अब ये पूरा बॉक्स वेस्ट। तो मेरे पास है ये काजल शुगर का जो कि ग्रीन शेड में है, मेरे पास ग्रीन काजल नहीं था तो इसलिए मैंने ये ग्रीन शेड का काजल मंगाया है और MRP इसकी 249 है, मुझे ये 224 रुपीज़ में मिला है। और नेक्स्ट है मेरे पास ये शुगर का मस्कारा, मस्कारा इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, मैंने मेबलिन का यूज़ कर लिया, फेसिस कैनेडा का यूज़ कर लिया, इंस्टेंटली सूख जाते हैं मस्काराज, कितनी बार मैंने यूज़ भी नहीं किया ज़्यादा फेसिस कैनेडा वाला और अब वो काफ़ी सूख गया है, तो इसलिए इस बार मैं शुगर का ट्राई कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कौन सा ब्रांड है जो कि थोड़ा लंबा चलता है पर ये निकल ही नहीं रहा। ओके, सो ये है लैश ऑफ द टाइटंस वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा ब्लैक विद अ बैंग 01, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। ये है वाटरप्रूफ और इसके लिए मैंने पे किया है 549 रुपीज़। अगर ये भी नहीं चलता है तो फिर क्या कर सकते हैं, बस नहीं चलता। नेक्स्ट है ये बड़े से बॉक्स में एक छोटा सा ईयरिंग फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स। एक्चुअली मैं ईयरिंग्स इंक्लूड नहीं करने वाली थी, ज्वेलरी का दूसरा हॉल आएगा दिवाली सीरीज में, बट मुझे ये ईयरिंग बहुत पसंद आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ये छोटे छोटे स्टड्स हैं कुंदन के, जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा है, यहाँ पे ये कुंदन है और उसका कट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत कट है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर की मीनाकारी का डिटेल है, पीछे कुछ इस तरह का आ जाता है। ये परफेक्ट है अगर आपको बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनना पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद बड़े बड़े ईयरिंग्स, मैं सिर्फ वीडियोज़ में ही पहन सकती हूँ, रियल में मुझे अगर कहीं जाना हो, कोई फंक्शन हो तो मैं छोटे ईयरिंग्स ही पहनती हूँ, तो इसलिए ये वाला जो है ना ये आप दिवाली पे पहन सकते हैं और वेडिंग सीजन में पहन सकते हैं। इस तरह के ईयरिंग्स काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में एंड इन्होंने ये एक्स्ट्रा ये भी दिया है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ये भी दिया है क्योंकि हमेशा यही गुम हो जाता है। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा क्योंकि दिवाली में कपड़े, ज्वेलरी, शूज़ के अलावा आपको स्किन केयर और मेकअप पे भी ध्यान देना होता है और अब तो वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो इसलिए ये सब प्रोडक्ट्स अगर आपके काम आते हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। इनका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हाँ और पे क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पे दिवाली सीरीज की और भी वीडियोस आती रहेंगी, पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल भी चेकआउट करना ना भूलें
और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।